और अब एक भाई मेरे पास ही है लेकिन वो कैमरा में नहीं है। अब कैसे आए मेरे पास? मैंने आपका वीडियो देखा था, 7 घंटे किया था। इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यहाँ आए तो क्या मैंने आपसे कुछ पैसे लिए? जब यूलू लेने गए तो क्या किया और कैसे यूलू लिया? तो आपने वहाँ कितना डिपॉजिट? तो हाय, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना भी हो तो भी आप दिल्ली में आ सकते हो अगर आप काम करना चाहते हो डिलीवरी बॉय की फील्ड में। अगर स्विगी है, जोमेटो है, या ग्रोसरी, जेप्टो वगैरह कुछ भी होता है फूड डिलीवरी में, अगर आना चाहते हो आप या फील्ड में काम करना चाहते हो तो आपको यहाँ दिल्ली में आना पड़ेगा और उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको रहने का टेंशन नहीं है क्योंकि मैं कुछ दिन तो आपको रख ही सकता हूँ, 2 दिन 3 दिन। ऐसे कम से कम 2 भाई हैं अभी तक जो कि आए और रहे, उन्होंने मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। और अब एक भाई मेरे पास ही है लेकिन वो कैमरा में नहीं आना चाहते, सीधी सी बात है। तो होता है, सबका अपना होता है, उतना क्यों बताना आपको। तो भाई आप बताओ कि आप कैसे आए मेरे पास? मैंने आपका वीडियो देखा था और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे प्रेजेंट होता है और वीडियो देख के मैंने देखा कि आपके जो आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीरियसली बता रहे हैं और सही चीज़ बता रहे हैं। अच्छा। तो मैंने फिर आपको, आपके प्रोफाइल में आपका नंबर था, मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया और बात करने के बाद लगा कि नहीं, आप मेरा कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपके पास अगले दिन ही आया, फिर आपने रहने का भी मुझे व्यवस्था दिया और मुझे, मेरे पास भी डीएल नहीं था तो आपने यूलू बाइक के विषय में आपने मुझे बताया। यूलू जो इलेक्ट्रिक होती है। हाँ, जो इलेक्ट्रिक होती है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने फर्स्ट डे सिर्फ 3 घंटे काम किया था तो मेरा 200 के ऊपर अर्निंग हुआ था। 3 घंटे में 200। हाँ, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे किया तो मैंने लगभग 7 घंटे किया था तो 550-600 के लगभग आया था। 7 घंटे में 550-600 यूलू से हुआ। बिल्कुल। और फिर मेरा कल तीसरा दिन था तो कल भी मैंने लगभग 4 घंटे ही किया, तो नहीं 5 घंटे किया तो 400 रुपये के लगभग आया मेरा। तो अभी आप स्विगी में काम कर रहे हैं? हाँ, अभी मैं स्विगी में हूँ। तो भाई स्विगी में काम कर रहे हैं यूलू से, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपने अच्छे से सुन रखा है। उसके बाद भैया अगर आप यहाँ आए तो क्या मैंने आपसे कुछ पैसे लिए? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। होता है ना कि कुछ रहने का खर्चा दे दो भाई, ये वो, ऐसा कुछ तो नहीं लिया मैंने आपसे? नहीं नहीं। तो भाई देखो, ईमानदारी से बता रहे हैं भाई, ठीक है। तो मेरा इतना है कि मैंने जो बोला था वीडियो में वो आपको करके दिया कि आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन 4 दिन रह सकते हो, तो आप रह रहे हो। कोई दिक्कत दिया मैंने आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल आराम से, जैसे घर की तरह रहते हैं उसी तरह घर से तरह पूरी व्यवस्था है। चलो ठीक है। तो आप जब यूलू लेने गए, पहली बार जब यूलू लेने गए, ठीक है, तो आपने वहाँ क्या किया और कैसे यूलू लिया? कितना पेमेंट आपको करना पड़ा? मतलब सबसे पहले आप कहाँ गए यूलू लेने के लिए? तो इसका अलग अलग स्टेशन होता है, मेट्रो सिटी के पास मेट्रो स्टेशन जहाँ होता है वहीं के आसपास बाइक मिलती है। मतलब समझ रहे हो, आपकी जहाँ भी मेट्रो स्टेशन है दिल्ली के अंदर तो वहाँ आपको यूलू बाइक प्रोवाइड किया जाता है, यही ना भैया? जी। उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं मैप पे यूलू बाइक कहाँ पे है, तो आपके नियर बाय जो भी स्टेशन होगा आप वहाँ पहुँच जाइए और उसके बाद वहाँ पे मोबाइल नंबर आता है, आप उनसे कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। तो सारी जितनी भी KYC होती है, आधार कार्ड लगता है और आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिक यूलू का व्हाट्सएप आता है, आप उसके जरिए आप KYC कर सकते हैं। KYC करके आपको जितने घंटे, जितने किलोमीटर चलाना चाहेंगे उस हिसाब से आप अपना फिक्स कर सकते हैं कि मुझे कितना वीकली देना है। तो जैसे कि आप आए, ठीक है, तो पहला दिन मतलब क्या था, कितने किलोमीटर का आपने लिया? कितने कितने किलोमीटर का होता है पहले ये बताइए आप। 400 किलोमीटर का होता है, 600 किलोमीटर का होता है, 1 सप्ते का। हाँ, 1 सप्ते। तो आप जब आए थे तो आपने कितने किलोमीटर वाला प्लान लिया? मैंने पहले सोचा कि मैं पहले कम से कम वाला लूँ कि पहले एक्सपीरियंस भी हो सके, कितना फायदा होता है, कितना बचत होती है, सारी चीजें मैंने देखते हुए पहले मैंने सबसे कम वाला किया, 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर किया। तो जब 400 किलोमीटर आपने लिया तो आपने वहाँ कितना डिपॉजिट किया? उसमें 1036 रुपये दिखा रहा था और उसके बाद 1036 रुपये तो 1 वीक का लगता है। उसके बाद जो 499 रुपये सिक्योरिटी चार्ज होता है तो उसको आपको पे करना पड़ेगा, उसके साथ ऐड करके। कुछ उन्होंने डिस्काउंट दिया अपना रेफरल कोड देकर, तो 259 रुपये डिस्काउंट भी मुझे मिला, तो टोटल लगभग 1300 कुछ रुपये मुझे पे करना पड़ा था। 1 सप्ते का 1300 आपको करना पड़ा, जिसमें से कि 500 आप बता रहे हैं कि रिफंडेबल है। हाँ, वो रिफंडेबल हो जाता है। तो वही लगभग आपको 1 सप्ते कितना पड़ गया? 800 पड़ा। 8-750 के आसपास। हाँ इतना बड़ा एक सप्ते का। भाई कह रहे हैं कि इनको 400 किलोमीटर मतलब अलग अलग रेंटल प्लान होता है, अनलिमिटेड भी होता है और अनलिमिटेड भी होता है। तो भाई ने लिया एक सप्ते का 400 किलोमीटर क्योंकि इन्हें मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार इस मतलब इधर फील्ड में काम कर रहे थे इस लाइन में। तो इन्होंने सोचा कि भाई कम लेके पहले एक्सपीरियंस ले ले, उसके बाद उसके हिसाब से ढाल लेंगे खुद को। तो जब ये बता रहे हैं कि ये जब आए तो 1000 मतलब 1300 रुपये लगे आपके ना, 1300 इनको लगे। तो 1300 में क्या है 500 रुपया डिपॉजिट मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में आपसे जमा किया जाता है। कि मतलब कि जब आप यूलो जमा करने जाओगे कि मतलब अब यूलो आपको नहीं चाहिए तो जब आप देने जाओगे तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ। बाकी सब ठीक ठाक रहा, बिल्कुल एक्सपीरियंस बढ़िया है, बाइक भी बढ़िया चलती है। अच्छा यूलो कितनी किलोमीटर चलती है ईमानदारी से बताइए आप? उसकी जो स्पीड है 20 से 22 की स्पीड है, 20-22 पर किलोमीटर के हिसाब से। तब भी ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम दिल्ली में आकर इतने बड़े ट्रैफिक में चला रहे हैं तो अभी आपके लिए बेहतर है, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो फिर आप अपना धीरे धीरे जिस तरह से भी अपनी बाइक लेना चाहेंगे तो फिर बाइक से भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर यूलो से करेंगे तो आप बेस्ट कर पाएंगे आगे चल के। चलिए अगर आपके पास डीएल नहीं है तब तो ठीक है। अच्छा लगा आपसे बात करके यार, भैया से मिलके भी यार मस्त है। इससे इन्होंने रूम देख लिया है तो आप ये आज मेरे पास से जा रहे हैं, तो होगा तो मिलते हैं बिल्कुल ठीक। बाकी अगर आप लोगों में से भाइयों में से भी किसी को भी जरूरत हो, काम करना चाहते हो तो आ सकते हो। ठीक है, मैं जहां तक हो सकेगा जितना हो सकेगा मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा। हाँ पैसे से नहीं कर पाऊंगा भाई क्योंकि मैं भी गरीब हूँ। हाँ पैसे के अलावा जितना हो सकता है वो करके दे सकता हूँ। आप रहो आओ और क्या, काम करो कमाओ।